द्वादश ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो सौराष्ट्र में है। सोमनाथ का दर्शन तो किया लगभग आप लोगों ने, कर लिया ना? अब अपना मन सोमनाथ लेकर चले जाना, आपको दर्शन ही हो जाएगा। प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष के 27 कन्याएं हैं। प्रजापति दक्ष ने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। कितनी का? 27 कन्याओं का विवाह प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा के साथ विवाह किया, और सब की सब कन्याएं चंद्रमा को पति पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमको चंद्रमा जैसे पति मिले, बड़े शीतल है, बड़े सहज है। वो सब की सब बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई सब की सब। लेकिन चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो सबसे ज्यादा प्रेम केवल रोहिणी से करते थे। 27 पत्नियां थी उनकी, धर्म पत्नियां थी, उसमें केवल चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा। तो 26 कन्याएं अपने पति, अपने पिता के पास आकर कहती है अपने पति के बारे में कि वो बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं रखते, केवल एक पत्नी रोहिणी से वो प्रेम करते हैं। प्रजापति दक्ष ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा को समझाया कि ऐसा नहीं, तुमने सभी के साथ विवाह किया है तो तुम्हारे लिए सभी समान होनी चाहिए, तुम्हारे लिए सभी समान होनी चाहिए। चंद्रमा ने उस समय हाथ तो भर दी, लेकिन चंद्रमा के बर्ताव में कोई प्रकार का फर्क नहीं आया। वो जू का टस का मस रहा भाई, कोई नहीं लाने मतलब। काफी समय निकल गया, और समय निकल जाने के बाद पुनः एक बार जब सब 26 की 26 मिलकर पुनः प्रजापति दक्ष के पास गई और जाकर कहा, पिताजी बिल्कुल चंद्रमा हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात सुनते नहीं है। ये बात जब कही तो चंद्रमा की हरकत को देखकर, इन बातों को देखकर प्रजापति दक्ष के मन में गुस्से का भाव प्रकट हो गया, और उसने चंद्रमा को बुलाया, समझाया कि मैंने तुझे कहा था तुम नहीं माने चंद्रमा, तो सुनो मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो जाए। और चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुझे क्षय रोग हो जाए। और उसी समय कथा में लिखा है चंद्रमा उसी समय क्षय रोग से ग्रसित हो गए, और चंद्रमा क्षय रोग से जैसे ग्रसित हो गए तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सब देवता ऋषि कहने लगे अब हमें क्या करना चाहिए, चंद्रमा ठीक कैसे होंगे, और सब लोग बड़े विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित कर दी कि भाई मैं कार्य वाला संभाल नहीं सकता हूं, मेरी स्थिति नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूं अब। और इंद्र आदि सब देवता ऋषियों के साथ कहां पहुंच गए, भगवान ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि सकवे का काल चक्र घूम रहा है, चंद्रमा को श्राप लग गया, चंद्रमा अपना काम नहीं कर पा रहा है, समय की गति अवरुद्ध हो रही है, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जो होना सो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, परंतु एक काम करो, अगर चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय का जाप, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता, अगर वो महामृत्युंजय का जाप चंद्रमा वहां जाकर करे, शिवलिंग की स्थापना करके, तो उनका क्षय रोग पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। केवल शिव ही है जो इनके रोग का समन कर देगा, शिव ही है जो इनके रोगों का पूर्ण रूप से समन कर देगा, पूर्ण समन हो जाएगा। तो यह बात चंद्रमा से कही तो शिव महापुराण कहती है, कोटि रुद्र संगीता में लिखा गया है, चंद्रमा ने 6 महीने तक ब्रह्मा की आज्ञा से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से चंद्रमा ने 6 महीने तक 10 करोड़ कितने, ओ
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। छह महीने तक चंद्रमा ने एक भाव से जाप किया, 10 करोड़ जाप किया महामृत्युंजय का, और 10 करोड़ जाप किया तो सामने महादेव प्रकट हो गए, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोलो क्या चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो इसलिए घर में कोई बीमारी हो ना, घर में किसी प्रकार की बीमारी हो, हाँ किसी भी प्रकार की बीमारी घर में हो तो महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए, और हो सके तो महामृत्युंजय का बीमारी के लिए जाप जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टरों का चक्कर लगता है, इससे अच्छा है कि भगवान के शरण में आ जाओ। हाँ हमारे घर में उठा पटक कब होती है कि हमारे घर में कुछ गलत धन हमारे घर में आ जाता है, गलत पैसा हमारे घर में आ जाता है। अरे परीक्षित जैसे राजा से भी गलती होगी पता है, वो सोने का मुकुट लेकर अगर शिकार खेलने चले गए थे ना, और सोने में कली का निवास बताया गया है, जो अधर्म का सोना हो, जो लूट कर छीन कर लाया गया उसमें कली का निवास है। और चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित वो भीम के द्वारा जरासंध को मारकर गया, लाया गया मुकुट लगाकर चले गए थे उस दिन परीक्षित, और बुद्धि खराब हो गई और एक मरावा सर्प ऋषि के गले में डाल दिया था, और फिर श्राप लग गया, फिर श्राप लग गया। हाँ तो बुद्धि कब भ्रमित हो जाए, तो बीमारी जब जीवन में कोई भी बीमारी आए तो महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई भी समस्या आए तो महामृत्युंजय का जाप कराओ। डॉक्टरों के पास पैसा जाए, गलत धन घर में आ जाए तो कहीं ना कहीं लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा वो धन, वो टिकेगा नहीं, वो धन गलत जगह जाएगा वो धन। इसलिए शास्त्र में लिखा है जो आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा दान कर दो, जो कमाते हो उसका 10वां हिस्सा दान कर दो। इसलिए हमने कहा कि कोई बीमारी चल रही है तो महामृत्युंजय का जाप करवा लेना, यहां करवा लेना, शिवरात्रि तक अमावस्या तक करवा लेना, 11,000 जाप, 21,000 जाप, 51,000 जाप आप करवा लेना, शिव की सन्निधि में करवा लेना। यहाँ तो श्याम बाबा भी बैठे हैं, शिव और श्याम का मिलन है यहाँ तो, यार बड़ा आनंद होगा। जाप करवाना महामृत्युंजय का, महादेव प्रकट हो गए, उसने कहा मेरा क्षय रोग खत्म हो जाए, ए महादेव मेरा क्षय रोग खत्म हो जाए। शिव जी ने कहा एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी और एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी, ये मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, और तुमने मेरी यहां तुमने यहां पूजा की है तो आज से मेरा नाम होगा सोमेश्वर, और आज से मेरा नाम होगा सोमनाथ, चंद्रमा का नाम सोम है। हे चंद्रमा तूने मेरा तप किया है, भजन किया है, पुण्य किया है, सत्कर्म यहां किया है, तो मेरे नाम के आगे तेरा नाम पहले लग जाएगा, तो पहले सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ हम श्री शैले मल्लिकार्जुन। जो व्यक्ति शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति सब देवताओं ने वहां मिलकर भी सोमकुंड की वहां स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा जी सदा वहां सोमकुंड में, वहां सोमकुंड है आप गए होंगे तो, सोमनाथ में सोमकुंड है, वहां शिव और ब्रह्मा जी का साक्षात स्थान माना गया है। चंद्रकुंड में भूतल पर पाप को नाश करने के तीर्थ के रूप में वो स्थान विद्यमान है। जो व्यक्ति 6 महीने तक या 1 महीने तक वहां स्नान कर लेता है उसके असाध्य रोग उसके दूर हो जाते हैं। ये बड़े शिव महापुराण में लिखी गई बात कह रहा हूं, असाध्य रोग कोटि रुद्र संहिता में लिखा गया नष्ट हो जाते हैं। हाँ उन कुंड में 6 मास तक स्नान करने से, 1 मास स्नान करने से सभी पापों का समन हो जाता है। तो आप जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस कथा को सुनता है, इस कथा को गाता है, इस कथा का चिंतन करता है, इस कथा का मनन करता है, उस पर भगवान महादेव की साक्षात कृपा होती है, साक्षात कृपा होती है, साक्षात कृपा होती है।